स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशन के बारे में, फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ओके, जो कि एंटेमोलॉजी में है हमारे। सो इसके बारे में बात करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो ए पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इज द फिजिकल फॉर्म इन विच ए पेस्टिसाइड इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड फॉर यूज, ओके। And formulation affect the way in which the pesticide can be applied and its effectiveness. And pesticide formulation में include, आगे हम देखेंगे क्या क्या है इसमें pesticide में including. Okay, so pesticide जो होते हैं उसका जो रियल ओरिजिनल फॉर्म होता है उस फॉर्म में है वो मैन्युफैक्चर करके सोल्ड नहीं किया जाता, सेल नहीं किया जाता, उसमें है वो कुछ ना कुछ केमिकल है वो मिक्स किया जाता है, पेस्टिसाइड प्लस केमिकल मिक्सचर है वो होता है फॉर्मुलेशन, जिस फॉर्म में है वो मैन्युफैक्चर्ड है वो किया जाता है, ठीक है। जो और वो है वो सॉलिड भी हो सकता है एंड लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसियस फॉर्म में भी है वो हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग है वो गैसियस सॉलिड एंड लिक्विड के अकॉर्डिंग है उसके है वो फॉर्मुलेशन के है वो आगे हम देख रहे हैं ये टाइप्स जो कि है। फर्स्ट जैसे कि लिक्विड कॉन्सेंट्रेट्स एंड सो दीज आर फॉर्मुलेशन दैट नीड टू बी डाइल्यूट विथ वाटर बिफोर एप्लीकेशन, ओके। सो इसका एग्जांपल है इंक्लूड इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट्स एंड सोल्यूबल कॉन्सेंट्रेट्स एंड सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट्स। सो इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स वो होते हैं जिसमें जैसे कि ये एक ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट ऑयली सब्सटेंस होते हैं ऑयली इमल्सिफाइंग कंसंट्रेट। सो इसमें होता क्या है जैसे कि पेस्टिसाइड्स है एंड वो मिक्स किए होते किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि बेंजीन टोलुइन में। सो इनके साथ मिक्स करके एक इमल्सिफाइंग कंसंट्रेट है वो इस प्रकार के भी हो सकते हैं एंड नेक्स्ट सोल्यूबल कंसंट्रेट्स भी हो सकते हैं नॉर्मली एंड सस्पेंशन कंसंट्रेट जैसे कि लिटिल बिट सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड आर मिक्स अप विथ लिक्विड मटेरियल्स, ठीक है, जो कि सस्पेंशन है वो हो सके नीचे, जैसे कि मान लो जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के कण है वो पानी में सस्पेंड हो सकते हैं उस प्रकार से, ओके। सो वेटेबल पाउडर दूसरा फॉर्मुलेशन का फॉर्म अगर हम देखेंगे तो वेटेबल पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है फॉर्मुलेशन। सो दीज आर ड्राई फॉर्मुलेशन दैट आर मिक्स्ड विथ वाटर बिफोर एप्लीकेशन, ओके। सो नॉर्मली जो ये मैन्युफैक्चर्ड है वो किया जाता है तो वो वेटेबल पाउडर होता है एंड ड्राई फॉर्मुलेशन होता है और जिसको अप्लाई करने से पहले उसको पानी में है वो उस पाउडर को है वो मिक्स कर किया जाता है एंड अप्लाई किया जाता है। वेटेबल पाउडर कॉन्टेन स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर इजिली सस्पेंडेड इन वाटर, ओके, स्मॉल पार्टिकल होते हैं। सो थर्ड अगर देखें तो ग्रेन्यूल्स जो कि सॉलिड में ही आता है, सॉलिड पार्ट में ही है वो आता है। सो इसके बारे में अगर देखें सो ग्रेन्यूल्स दीज आर ड्राई फॉर्मुलेशन दैट आर स्कैटर्ड ऑन द सॉयल सरफेस और इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉयल एंड ग्रेन्यूल्स आर स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल, ओके। एंड डस्ट इफ यू टॉक अबाउट डस्ट सो दीज आर ड्राई फॉर्मुलेशन ऑल्सो एंड दैट आर अप्लाइड एज ए फाइन पाउडर इसको अप्लाई किया जाता है एंड डस्ट आर ऑफन यूज टू कंट्रोल पेस्ट ऑन फोलियज, ओके। सो ये डस्ट फॉर्म है फोलियज यानी सभी प्रकार के जो पत्तियाँ है पेड़ के ऊपर जो पत्तियाँ होती है उनके ऊपर है ये अप्लाई किया जाता है, ओके। डस्ट फॉर्म की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सो ट्रियोन इसका एक वाइडली यूज इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड डस्ट है डेट कंटेंट पायरीथ्रिन्स एंड PBO, ओके, पाइपेरोनाइल ब्यूटोक्साइड एंड सिलिका एरोजेल, ओके। एंड देन नेक्स्ट हम बेड फॉर्म की बात करें, बेड्स एंड दीज आर फॉर्मुलेशन दैट आर अट्रैक्टिव टू पेस्ट एंड कंटेन ए लीथल इंग्रेडिएंट, ओके। बेड्स आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल रोडेंट्स, सो पेस्ट को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं एंड लीथल इंग्रेडिएंट वो होते हैं, ओके। सो इसके भी एग्जांपल की अगर हम बात करें सो बैट्स
often consists of a substance to attract the insects and mixed with an insecticide to kill them. So bats एक formulation एक ऐसा chemical mixture होता है जिसमें एक तो अलग से है वो attractant substance है वो होते हैं जैसे कि sugar and bran आगे हम बात करेंगे ठीक है जो कि attract करते हैं और उसके साथ mix होते हैं insecticides जो कि है उनको है वो kill कर देते हैं and often used attractant are based on bran and sugar. For example, mix 100 gram bran. So bran जो होता है ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग होती है ऑफ ग्रेन्स पे ठीक है सो वो होता है ब्रांस एंड 100 ग्राम्स वो होता है एंड 10 ग्राम शुगर एंड 200 ml वाटर है इसके अंदर है वो मिक्स करके विद एन इंसेक्टिसाइड्स सो वो एक पूरा मिक्सचर है वो बन जाता है बैट्स का ओके जो कि एक काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड द रिजल्टिंग बैट शुड कंटेन बिटवीन 0.5 एंड और 1.5% एक्टिव इंग्रेडिएंट ओके सो नेक्स्ट अगर एरोसोल की अगर बात करें एरोसोल्स की सो दीज आर फॉर्मुलेशन दैट आर डिस्पेंस एज ए फाइन मिस्ट और स्प्रे एंड एरोसोल्स आर ऑफन यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन इंडोर इन्वायरमेंट. अब एरोसोल का अगर हम एग्जांपल की बात करें सो नोवासाइड फ्लिया एंड टिक किलर एंड नोवासाइड इज एन एरोसोल इंसेक्टिसाइड विथ IGR फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मैनी पेस्ट ओके सो IGR के साथ IGR पेस्ट मैनेजमेंट में है वो काम में आता है. IGR वर्ड ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट है मान लो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में है वो इंटरप्ट है वो करते हैं लाइफ थ्रू हार्मोन डिस्टर्बशन के थ्रू भी है वो कर सकते हैं उनकी लाइफ साइकिल को है वो डिफेक्ट करते हैं IGR ओके सो इट कंबाइंस फोर डिफरेंट केमिकल इनटू वन ओके एंड इजी टू यूज एरोसोल कैन ओके एंड नोवासाइड कंट्रोल फ्लिया टिक्स एंड जर्मन रोचेस एंड पेंट्री पेस्ट एंड मॉस्किटोज सिल्वर फिश ants and other listed insecticides insect sorry other listed insect okay so next agar hum baat kare seed treatments ki agar hum baat kare so these are formulation that are applied to seeds before planting okay so seed ko hum planting karte hain bote hain beej bote hain so usse hai wo pehle hai wo treatment hum karte hain in is formulation insecticide se so seed treatments protect the seed एंड यंग प्लांट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज ओके सो इसकी अगर एग्जाम्पल की हम बात करें सो इमिडाक्लोप्रिड इज एन इंसेक्टिसाइड यूज टू प्रोवाइड पोस्ट प्लांटिंग रेजिडुअल कंट्रोल ऑफ सकिंग इंसेक्ट्स एंड सोइल इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ओके सो नाउ अब ओवरऑल हमने वो सारे बात कर लिए फॉर्मुलेशन के ओवरऑल और टाइप्स के बारे में सो द चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशन डिपेंड्स ऑन द पेस्ट टू बी कंट्रोल्ड ओके एंड द टारगेट क्रॉप और साइट एंड द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ओके सो इन सब पे वो डिपेंड करता है कौन से प्रकार का फॉर्मुलेशन यूज करना है ओके एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर मिक्सिंग एप्लीकेशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशन ओके सो यूज़ करने के लिए भी हमें है जैसे कि कोई है इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन वाले तो पॉइजनस होते हैं सो बच्चों से वो दूर रखना होता है एंड उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कितना एमएल है वो कितने एमएल वो वाटर में मिक्स करके है वो स्प्रे करना है एंड सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके है वो हमें अप्लाई करना होता है ओके ओके तो शुरू में हमने वेटेबल पाउडर के बारे में बात किया सो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें सो ए वेटेबल पाउडर इज विथ 50% एक्टिव इन्ग्रीडियंट में कंटेन 42% क्ले 2% वेटिंग एजेंट एंड 2% डिस्पर्सिंग एजेंट एंड 4% इनर्ट इंग्रेडिएंट एंड 50% एक्टिव हर्बिसाइड्स ओके सो ये सब है इनके अंदर इंक्लूड होते हैं वेटेबल पाउडर में एंड बिकॉज वेटेबल पाउडर फॉर्म सस्पेंशन नॉट सॉल्यूशन सो दे विल सेटल विदाउट कंटिन्यूड एजिटेशन इन द स्प्रे टैंक ओके एंड हमने ग्रेन्यूल्स के भी फॉर्मुलेशन के बारे में भी बात किया सो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल की अगर हम बात करें सो ग्रेन्यूलर फॉर्मुलेशन आर मोस्टली यूज्ड टू अप्लाई केमिकल्स टू द सॉइल टू कंट्रोल वीड्स जो कि खरपतवार होते हैं ओके घास वगैरह सो वीड्स निमेटोड्स और सॉइल इंसेक्ट्स ओके सो ग्रेन्यूलर फॉर्मुलेशन आर यूज्ड टू डिलीवर सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स which are taken up by plant root. They also are used in aquatic situation to control mosquito larva and aquatic weeds. Okay, so इन सब को वो control करते हैं. So okay, हमने granules के बारे में बात किया, dust के बारे में बात किया, and beds and aerosol and
हमने सी ट्रीटमेंट सारे फॉर्मुलेशन के बारे में ऑलमोस्ट हमने बात कर ली। ओके सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स है उसके बारे में है वो डालेंगे, LD50 LC50 वगैरह आते हैं उसमें। ओके सो इतना ही है इस वाली वीडियो में, इतना ही है। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब आप कर सकते हो चैनल को। ओके बाय बाय।